अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। प्लीज गाइस डू लेट मी नो, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू मिस्टर अदनान, मिस्टर बुरहान, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, अब गाइस जस्ट डू लेट मी नो कि हम एनपीओ के ही क्वेश्चंस करेंगे आज, या आई शुड मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, बताएं जी, या मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाना चाहिए? सिर्फ कह रहे हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, बाकी लोग बताएं जरा। तो जहां भी नेक्स्ट टॉपिक कह रहे हैं, गाइस मूव करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। मुझे बताएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया आप लोगों ने? जी शराजी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है CMADZ के यूट्यूब चैनल पे, ये रोजाना अपलोड हो जाती है। तो गाइज हर बच्चा कह रहा है कि जी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, क्या ख्याल है? तो लेट्स मूव जी टूवर्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जी बच्चों जस्ट
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। गाइस, डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। हम इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन कैश फ्लोज। हमारे पास 3 से 4 दिन है अगेन इस टॉपिक के लिए, तसल्ली से जरा विल ट्राई टू कवर 7 to 8 to 9 क्वेश्चंस, ताकि जरा ये वाला टॉपिक अगर एग्जाम में आए तो हम इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो करना क्या है, मैं आप लोगों को बताता चलूं। अभी टू गिव यू बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक एक एक्टिविटी को पे फोकस करूंगा। लाइक मैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे फोकस करूंगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे फोकस करके ना हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सीख के फिर हम डिफरेंट पेपर्स पे के क्वेश्चंस पे चले जाएंगे और वहां से सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। फायदा ये होगा कि वी विल बी कॉन्फिडेंट यार कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे सॉल्व करते हैं, इसके इश्यूज क्या हैं। अब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, जब ये ख्याल रख लेंगे ना तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि यार हम एक चीज पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देन फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो मसले आ सकते हैं हम सिर्फ उनके ऊपर बात कर रहे होंगे, और फिर क्वेश्चन पे जाके हम डिफरेंट क्वेश्चन में से सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सॉल्व कर देंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया करूंगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है हमने, लेट्स सॉल्व फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे जाएंगे, और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे जाके हम लोग अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग साथ, जब हम ये तीनों कर चुके होंगे तो बेसिकली तो हम पूरा क्वेश्चन कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन पे फिर मूव करेंगे। अब एक्चुअली कोई मसला नहीं है पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, लेकिन छोटी छोटी बातें जो कि हर एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट होती हैं वो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन में गुम हो जाती है। तो हम, और फिर जरा थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर नहीं हो रही होती, तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप हर एक्टिविटी को इंडिविजुअली देखें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग करने वाले क्या हैं, जरा बात को गौर से सुनना है आप लोगों ने। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो उसे कहना यार पहली बात तो ये है कि टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, चौथी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, और सॉरी थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स, डिस्क्लोजर नोट्स, एंड द फिफ्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। करते क्या है मेरे बच्चों, हम इसमें करते ये है कि हम कैश एंड बैंक का जो अकाउंट होता है, वर्ड पे गौर कर रहे हो, कैश एंड बैंक का जो अकाउंट होता है जिसमें हम कैश आना जाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें साल के स्टार्ट पे कितना कैश बैंक बैलेंस है, साल के एंड पे कितना कैश एंड बैंक बैलेंस है, हम ये लिख के बैठे होते हैं। उसमें क्या होता है, जितने कैश ओपनिंग बैलेंस होता है, जैसे 30 लिखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे 30, फिर जितना कैश रिसीव हुआ वो सारा डेबिट साइड पे आता है, जैसे 100 इन लोगों ने लिखा हुआ है, फिर जितना कैश पे होता है 80 वो इधर आता है, और अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 50। सर, इस कैश एंड बैंक अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाने का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। इस कैश एंड बैंक अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाने का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में सर नहीं, मीनिंगफुल वे में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में दिखाना। मीनिंगफुल वे मतलब इतना अच्छा दिखाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लोगों को समझ आ जाए यार कि बिजनेस में कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये बात लोगों को समझ आ जाए, इतना अच्छा। तो एक मीनिंगफुल वे में स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कैश एंड बैंक अकाउंट को दिखाना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर, अगर हम लोग कह रहे हैं कि मीनिंगफुल वे में दिखाना कैश एंड बैंक अकाउंट को, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कैश का आना जाना ही रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी जो कि कैश जिसमें नहीं होता, ना कैश उस ट्रांजेक्शन में आता है ना जाता, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन। जब आपने कैश दे के कैश लेके कोई ट्रांजेक्शन की होगी तो तभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आनी है। इसका मतलब है नॉन कैश ट्रांजेक्शन की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने है,
इसका मतलब इनकी बिल्कुल जगह नहीं है, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन की बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें पता है क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट या डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगर आप गौर करो तो इस डबल एंट्री में कैश कहीं भी नहीं है, तो जिस डबल एंट्री में कैश ना हो उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक नॉन कैश आइटम है, यानी इसमें कोई कैश की एंट्री इन्वॉल्व नहीं है, ना कैश आया ना कैश गया, सो कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। सो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कहानी है सर। आगे क्या करें, इंपेयरमेंट लॉस, आगे क्या करें, इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस हमने पढ़ा इस 36 में, इसमें डबल एंट्री होती है, डेबिट इंपेयरमेंट लॉस करते हैं और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस करते हैं या एसेट क्रेडिट कर देते हैं। तो सर यहाँ पे भी वही स्टोरी है, क्या स्टोरी है, कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जगह है, तो आप कहेंगे नहीं सर इट इज अ नॉन कैश आइटम। मैं आपसे पूछूं इंपेयरमेंट लॉस की जगह, आप कहेंगे नहीं सर इट्स अ नॉन कैश आइटम। इसी तरह रिवैल्यूएशन लॉस एंड गेन, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं तो कैश का इन्वॉल्व नहीं होता, कैश ना आता है ना जाता है, तो ये भी इधर नहीं आना। बोनस इशू, बोनस इशू में कैश आप फ्री ऑफ शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे लिए बगैर शेयर्स दे रहे होते हैं, इसमें भी नहीं आना। देन वी हैव बैड एंड डाउटफुल डेट्स, गाइस बैड एंड डाउटफुल डेट्स में भी नहीं आना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स में कोई कैश नहीं होता। मोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की डबल एंट्री होती है बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी डेबिट होता है और क्रेडिट इनकम होता है, अब इसमें भी कैश नहीं। सो ऐसी ट्रांजेक्शन जिनमें कैश है ही नहीं, जिनमें कैश है ही नहीं, वो नॉन कैश आइटम्स हैं और वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से ताल्लुक नहीं रखते, दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अगर गलती से, वर्ड पे गौर करना, अगर गलती से कहीं आ गए ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे, तो आप देर नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे निकालो इन्हें, इनकी कोई जगह नहीं है हमारी कैश फ्लोज में। तो ये वो चीजें हैं जिनको देखते ही आपने कहना नो कैश फ्लोज में नहीं आना तुम लोगों ने, नॉन कैश आइटम्स। अब सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट क्या है सर, अगर कैश अकाउंट को ही हमने बांटना है तो फॉर्मेट क्या होगा सर, कैश अकाउंट से फॉर्मेट बना के दिखाएं। तो सर स्टैंडर्ड कहता है, सर कौन सा स्टैंडर्ड सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब सर ये क्या कहता है सर, ये कहता है सर, जी सर ये क्या कहता है, ये कहता है कि कैश जितने इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, ये जितना पैसा आ रहा है जा रहा है, ये सारा तीन एक्टिविटीज में हमने बांट देना, जितने कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं तीन एक्टिविटीज में हम बांटेंगे। पहली एक्टिविटी है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बांटेंगे आप, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बांटेंगे हम, एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बांटेंगे। सर जितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पहला काम आपने ये करना है कि आपने फॉर कैश फ्लोज में बांट देना है, इसे तीन कैटेगरीज में बांट देना है, पहली कैटेगरी ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी है फाइनेंसिंग। इसी के बारे में मैं कह रहा था कि हम इनको सेपरेटली सेपरेटली अच्छे तरीके से समझेंगे, थोड़े पॉइंट्स नोट करेंगे कि कौन कौन सी बातों का हमने ख्याल रखना है, और एक ही एक्टिविटी को जब एक ही दफा में कुछ 6-7 क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि होगा हो क्या रहा है। देन तीन एक्टिविटीज में बांटना है, फिर आपके पास ड्यूरिंग द ईयर जितना कैश का इंक्रीज डिक्रीज है वो आ जाएगा, फिर ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंसेस इधर आ जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, और हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट बन गया है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल एंड पे आएंगे कैश एंड बैंक बैलेंसेस के, एंड ये आप लोगों का एक ओवरऑल मेन फॉर्मेट है, तो आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मेट है। और एक मिनट ले, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, एक मिनट नहीं 30 सेकंड्स, बेसिकली 30 सेकंड्स ले, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।
ब्रिलियंटली। अब मेरे बच्चों हमने करना क्या है, ये करने के बाद ये एक बेसिक फॉर्मेट है। सबसे पहले ये याद होना चाहिए आप लोगों को, नॉन कैश आइटम्स की कोई जगह नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे। अब हम वन बाय वन करके ना क्लासिफिकेशन सीखने लगे। हमें कैसे पता चलेगा यार कि ये जो कैश फ्लोज हैं ये किस एक्टिविटी के हैं? तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ना जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि नॉन करंट एसेट्स की वजह से, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब नॉन करंट एसेट्स। सर आप समझ लें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनकी वजह से जो भी कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इधर आएगा। सर इनकी वजह से क्या कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज हो सकते हैं? जी बिल्कुल समझते हैं, लेकिन पहले तो ये समझे ना कि नॉन करंट एसेट्स की वजह से जो कैश फ्लोज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नॉन करंट एसेट्स की वजह से क्या आ सकता है सर? नॉन कैश फ्लोज, नॉन करंट एसेट्स को बेच के कुछ ना कुछ कैश इनफ्लोज आएंगे, नॉन करंट एसेट्स को खरीदते वक्त कुछ कैश जाएगा, तो इनको बेचना और खरीदने से जो कैश फ्लोज आएंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। इनको आपने नॉन करंट एसेट्स को बेचा खरीदा। सर कौन से नॉन करंट एसेट्स होते हैं? सर हमने जो पढ़े हुए हैं वो देख लेते हैं। सर हमने पढ़ा हुआ है IS 16 आता है इसमें, हमने पढ़ा हुआ है IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो आ जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बार बार आ जाती हैं कि किसी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी और कंपनी में, शेयर्स में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। और IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, अभी पढ़ा तो नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो इन एसेट्स को खरीदना, इन एसेट्स को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को टारगेट करूंगा टू कैलकुलेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो मेरा जब सबसे ज्यादा फोकस होएगा वो नॉन करंट एसेट्स पे होगा और नॉन करंट एसेट की एडजस्टमेंट्स पे होगा। जो एडजस्टमेंट्स उसने मुझे नॉन कैश, जो भी एडजस्टमेंट उसने मुझे दी हुई है सारी की सारी, मैं उन एडजस्टमेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, मैं उन एडजस्टमेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ जो एडजस्टमेंट्स उसने मुझे दी हुई है, तो उन पे फोकस हो रहा होगा। इसका मतलब ये है जी, और कोई कैश फ्लोज? बिल्कुल है जी, कभी कभार इन एसेट्स की वजह से आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है, कभी कभार इन एसेट्स की वजह से आपको क्या मिल जाती है, गवर्नमेंट ग्रांट। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट इन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की वजह से मिली है तो वो भी इधर आनी है। अगर नॉन करंट एसेट्स की वजह से मिली है तो वो भी इधर आनी है। तो सर अगर गवर्नमेंट ग्रांट में तो हमने पढ़ा था कि वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, एसेट से रिलेटेड भी। सर एसेट्स वाली तो इधर आ गई, एक्सपेंसेस वाली किधर जाएंगी? सर इधर तो नहीं आई, क्या ख्याल? इधर तो नहीं आ सकती, तो फिर सर किधर जाएंगी? उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। उनके लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर सर अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या स्टोरी है? नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनको खरीदना, इनको बेचना, इनको खरीदना, इनको बेचना, ये सारा कुछ किधर जाना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इन नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर कभी कभार क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम आ जाती है, रेंटल इनकम। तो जो रेंट रिसीव करते हैं ना आप, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं, रेंट रिसीव करना वो इधर आएगा। अच्छा सर, फिर सर कभी कभार इन इन्वेस्टमेंट्स पे ना आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, डिविडेंड रिसीव हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो जाता है, तो जो रिसीव होता है ना वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होता है, नॉन करंट। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपका एसेट बिल्ड हुआ, वहां से आपको अब डिविडेंड मिल रहा है, वहां से आपको अब इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। कहां पे जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। कहां जाता है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। कहां जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। ओके सर, रिसीव होना, तो सर अगर पे कर रहे हो तो पे कर रहे हो, देख लेते हैं। पे करना एसेट्स की वजह से तो नहीं होता, इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो लाइबिलिटीज की वजह से करते हैं, डिविडेंड जो पे करते हैं वो इक्विटी पे करते हैं, जो शेयर्स आपने इशू किए होते हैं, इक्विटी होती है वो आपकी, उनके ऊपर करते हैं। तो वो कहां पे आएंगे वो देख लेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है फाइनेंसिंग में आएंगे। अब मेरे बच्चों ये जी कुछ कैश फ्लोज हैं जो कि इधर आने, एसेट्स को खरीदना, एसेट्स को बेचना, रेंट रिसीव करना, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव करना, ये चार बातें याद कर लें, चार बातें।
कौन कौन सी चार बातें याद करनी है सर आप लोगों ने? कौन कौन सी चार बातें याद करनी है आपने? पहली बात क्या याद रखनी है आप लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेके? जी सर, नॉन करेंट एसेट्स को खरीदना याद करना है आपने। फिर क्या याद करना है आप लोगों ने? नॉन करेंट एसेट्स को बेचना। फिर क्या याद करना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल सही, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव या रेंट रिसीव करना इन्हीं नॉन करेंट एसेट्स पे। और फिर हमने बात की है कि चौथी चीज क्या थी, जरा जल्दी से बताएं चौथी चीज क्या थी? गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये थी सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये चीजें सारी की सारी आनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो नॉन करेंट एसेट्स की वजह से जितने कैश फ्लोज आएंगे, सिर्फ कैश फ्लोज, नॉन कैश आइटम नहीं, नॉन करेंट एसेट्स की वजह से। सर नॉन कैश आइटम्स कौन से होते हैं सर? रीवैल्यूएशन गेन होता है सर, ऐसा ही होता है, रीवैल्यूएशन गेन, वो नॉन कैश आइटम होता है सर, वो नहीं इधर आना, नॉन करंट एसेट्स की वजह से सर। कैश पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट, आप मुझे एक बात बताएं, कैश परचेज्ड पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट, अब मुझे बताएं कि जरा अगर मैं उधार पे खरीदूंगा तो फिर भी आएंगे कैश फ्लोज में? बताएंगे उधार पे खरीद लिया आएंगे कैश फ्लोज में? नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। रीवैल्यूएशन गेन आएगा कैश फ्लोज पे? नहीं आएगा। उधार पे बेचा है, उधार पे बेचा है वो आएगा? चलें गुड हो गया जी। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ड्यू टू नॉन करेंट एसेट्स। आखिरी जी था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है ना, तो वो आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, वर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इधर आएगा सर। रिसीव जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से होता है, वो इधर आ जाएगा सर। और रेंट रिसीव्ड, रिसीव आप इन्वेस्टमेंट्स की वजह से करते हैं, आज कहीं पे एसेट में पैसा लगाएंगे तो कल को कहीं वो रिटर्न देगा। तो ये सर चार बातें आप लोगों को थ्रू आउट याद रखनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। अब सर आपको कुछ अकाउंट्स को याद रखना है, कुछ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे सर, अब इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट कैसे करना है हम इस पे बात करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सर हमने किन चीजों का ख्याल रखना है, अब ये बात जरा आप लोगों ने समझनी है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आसान सा काम करते हैं, हम ज्यादा पंगे में नहीं पड़ते सर। जिस चीज को आपने कैलकुलेट करना होता है ना, आप उस चीज का टी अकाउंट बना लेते हैं सर, आप उस चीज का टी अकाउंट बना लेते हैं, आप उस चीज का टी अकाउंट बना लेते हैं सर। किस चीज का टी अकाउंट बना लेते हैं सर? जिस चीज को आपने क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, जिस चीज को आपने कैलकुलेट करना होता है, आप उस चीज का क्या बना लेते हैं, टी अकाउंट, आप उस चीज का टी अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा टी अकाउंट बना लेते हैं जी, बिल्कुल सर। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? सर अगर मुझे जानना है कि मैंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए कितने पैसे पे किए इस दफा, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बना लूंगा, टी अकाउंट। ओके सर, अगर मैंने जानना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैंने कितना पे किया, तो मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बना लूंगा सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट। That's it. अगर मैंने जानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी खरीदी हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। तो सर जिन एसेट्स को आपने खरीदना है, उन एसेट्स में आपने क्या करना है, जरा जल्दी से बताएं जरा क्या करना है, उस एसेट का आपने टी अकाउंट बना लिया।
सिंपल सा फंडा है, ज्यादा फंडा नहीं है। ओके सर, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। आगे सर, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के लिए आपने डिस्पोजल का अकाउंट भी बन सकता है, डिस्पोजल अकाउंट भी बन सकता है, डिस्पोजल अकाउंट भी बन सकता है, लेकिन मैं डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनवाता। मैं कहता हूं डिस्पोजल एंट्री से गुजारा चल जाएगा, तो एमी खाम का क्या अकाउंट अकाउंट खेलना, बड़ा बड़े हो चुके हैं। तो डिस्पोजल एंट्री से कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट निकलेगा, ठीक है सर, आप कहते हैं तो। सर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव जो होती है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव जो होती है, इसके लिए क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा सर? इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा सर, इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी। तो अगर आप और करो थोड़ा सा, अगर आप और करो तो सर, सर जो चीज को कैलकुलेट करना होता है आप उस चीज का अकाउंट बना लेते हैं, सिंपल सा फंड है। अच्छा सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंटल रिसीव्ड का क्या करेंगे? यूजली गिवन होगी क्वेश्चन में, लेकिन अगर गिवन ना हो तो आप इनकम अकाउंट बना लेते हैं। ये वही इनकम अकाउंट है जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं था, इनकम अकाउंट जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट था आपने एनपीओ में अभी रिवाइज किया, इनकम अकाउंट उसी तरह का होता है सर। ओके सर, इसका मतलब ये है कि ये काम करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल करने पड़ेंगे सर, थोड़ा सा और बता दें सर। अब एक बात छोटी सी जिसका ख्याल रखना है, वो है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब आप बनाएंगे ना, तो इसमें दो ऑप्शंस होती हैं। हमें हमने ये बात पढ़ी थी कहां पे, आई 16 में। कभी कभार इनकी कैरिंग वैल्यू का अकाउंट चल रहा होता है, कभी कभार इनका कैरिंग वैल्यू का अकाउंट चल रहा होता है, और कभी कभार दो अकाउंट चल रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंट सेपरेट चल रहा होता है और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट चल रहा होता है। Accumulated appreciation account. Sir, accumulated appreciation में तो कोई assets खरीदना बेचने नहीं ना जाते। इसका मतलब ये है कि अगर आपको investing activities से कुछ चाहिए, अगर investing activities से चाहिए, तो या तो आप cost account बना लेंगे या carrying value account बना लेंगे। ये दो accounts आप लोगों को required हैं। Sir, ये दो accounts हैं जो आप लोगों को required। सर दो अकाउंट रिक्वायर्ड है, दो अकाउंट रिक्वायर्ड है, दो अकाउंट रिक्वायर्ड है। ओके, कैरिंग वैल्यू का अकाउंट रिक्वायर्ड है, कॉस्ट अकाउंट रिक्वायर्ड है, तो ये वो अकाउंट्स हैं जो रिक्वायर्ड। डन हो गया। अच्छा सर, अब बनाए सर, बनवाते हैं सर डिस्पोजल एंट्री। सर डिस्पोजल एंट्री में भी दो सिचुएशन है। डिस्पोजल एंट्री कभी आप बनाएंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के साथ, और कभी, यानी कभी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दोनों के साथ, कभी कैरिंग वैल्यू के साथ। हमें पता है ये दो सिस्टम्स हैं, एक में सिर्फ कैरिंग वैल्यू चल रही होती है, कैरिंग वैल्यू अकाउंट मेंटेन हुआ होता है, और एक में आप कॉस्ट और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन सेपरेट मेंटेन कर रहे होते हैं। अब सर डिस्पोजल एंट्री क्या डबल एंट्री बनेगी? डेबिट करेंगे आप लोग किसे जी? कैश को। ये कैश चाहिए होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ये कैश चाहिए होगा। अच्छा सर, क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे एसेट की कैरिंग वैल्यू को, कैरिंग वैल्यू को एसेट की क्रेडिट कर देंगे आप, और बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस होगा। ये जो प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग अमाउंट होगा, ये प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कैश ज्यादा है या कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। कैश ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली कैश का होगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये सर आप लोगों के सामने सिचुएशन है, ये कैश आपको चाहिए होगा सर, ये कैश आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ये कैश आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। आगे क्या करना है हम लोगों ने? आगे है सर, दूसरी डबल एंट्री बनेगी यार, डेबिट करेंगे हम लोग कैश को, डेबिट करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट करेंगे हम लोग एसेट कॉस्ट को। ले जी, यही एंट्री होती है सर, और वही एंट्री प्रॉफिट या लॉस डेबिटिंग अमाउंट आ जाएगी। प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, लॉस डेबिट साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो सर जब आपको वो कैश नहीं देगा ना, तो आप ये डबल एंट्री बनाएंगे। इन दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक एंट्री बनेगी। अगर कॉस्ट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन सेपरेट सेपरेट गिवन है तो ये एंट्री बना लो, अगर कैरिंग वैल्यूज गिवन है तो ये। यहां से आप लोगों को चाहिएगा, चाहिए क्या होगा, यहां से आप लोगों को ये कैश चाहिए होगा, ये कैश, यहां से ये कैश, और ये बैलेंसिंग निकलेगा, यानी वो आपको प्रॉफिट लॉस भी देगा, कॉस्ट भी देगा, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन भी देगा, और आपको कहेगा कि कैश निकाल लें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम टी अकाउंट्स में से कैश पे फोकस कर रहे होंगे, यानी हमारा मसला कैश होगा। ओके सर,
मान लेते हैं आपकी बात अगर आप कहते हैं तो सर और क्या दिखाएंगे सर इसमें, और कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे सर, तो आंसर है और जो अकाउंट्स बनेंगे वो बनेंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, इंटेंजिबल एसेट्स का, गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंट्स बनेंगे सर। वो किस तरह के बनेंगे अकाउंट सर, वो देख लेते हैं सर किस तरह के अकाउंट्स बनेंगे। तो सबसे पहला जो अकाउंट मैं अब आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछ रहा, लेकिन भाईजान फ्रीक्वेंटली नहीं पूछने का मतलब पता क्या है कि पूछना शुरू कर देगा। अब यही तो मतलब है इसका कि भाईजान उसने पूछना शुरू कर देना है। लें सर ये गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट आप लोगों के सामने आ गया। गवर्नमेंट ग्रांट में क्या करना होता है हम लोगों ने सर, गवर्नमेंट ग्रांट एक लायबिलिटी बनी होती है हमारे पास। लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, और क्लोजिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का इधर आ जाएगा। अब हमने बताया कि लायबिलिटीज को हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बांटा होता है गवर्नमेंट ग्रांट को भी, तो जो बैलेंसेस आएंगे ओपनिंग दोनों उठा के लाएंगे, क्लोजिंग भी दोनों उठा के ले आएंगे। आगे क्या करेंगे सर, ये कहानी क्या करेंगे थी? क्या लग रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीप्ट की एंट्री होती है, इस अमाउंट की एंट्री होती है, कैश डेबिट करते हैं आप लोग, और गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड या गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी ये क्रेडिट करते हैं आप। तो अब अगर आप और करो तो ये गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, इसीलिए तो हमने ये यहां पे लिख दी है क्रेडिट। लेकिन अगर आप और करो तो ये कैश को रिफ्लेक्ट कर रही है, इतना ही तो कैश मिला होगा और यही आएगी बैलेंसिंग अमाउंट, यही आप लोगों को फाइंड करनी होगी, यही बैलेंसिंग अमाउंट आएगी। सर बैलेंसिंग अमाउंट ये आएगी तो फिर ये गिवन तो नहीं होगी जी? बिल्कुल, मेजोरिटी सिचुएशंस में गिवन नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। दूसरी तरफ अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग ईयर, अमोर्टाइजेशन की डबल एंट्री होती है, गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी को आप थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करते जाते हैं और इनकम बनाते जाते हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी टू इनकम एंट्री होगी। ये गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी अगर आप और करें तो डेबिट हो रही है, ये गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी क्या हो रही है जी, ये गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी डेबिट हो रही है, तो इसीलिए डेबिट पे आ गई एंट्री। सर आपको सब कुछ गिवन होगा, ओपनिंग गिवन होंगे, क्लोजिंग गिवन होगा, अमोर्टाइजेशन भी वो बता देगा। आपने सिंपल क्या करना है, अमोर्टाइजेशन इधर लिखनी है, सोचना है डबल एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट इनकम होता है, तो लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड पे लिखोगे, इसी तरह ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, ऑटोमेटिकली द बैलेंसिंग अमाउंट वुड बी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, जो आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगी वो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है। फिर सर हमने क्या करना है, अच्छा ये अकाउंट बनाना है जी, बिल्कुल इस अकाउंट को लेके कोई मसला है तो पूछें, अगर किसी को एग्जांपल चाहिए तो बता दें, अदरवाइज आई एम मूविंग टुवर्ड्स नॉन करंट एसेट्स। जल्दी से खाली उनके लिख दो या खाली लिख दो प्रॉब्लम है। ब्रिलियंट जी, ओके है सर। इनकम अकाउंट बनाएंगे सर आप लोग, इनकम अकाउंट जब बनाएंगे आप लोग तो इनकम अकाउंट का इंटरेस्ट का अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड का या रेंटल रिसीव्ड का या तो गिवन होंगे या ये आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, अगर मैं रेंटल इनकम का अकाउंट बनाऊं, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट बनाऊं, तो ये प्लीज जरा इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है ये, तो जितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अगर कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इस साइड पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल इस साइड पे आ जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट ज्यादा रिसीव कर लिया एडवांस में तो वो ऑब्वियसली इस साइड पे आ जाएगा। जितना भी कैश रिसीव होता है, आप डबल एंट्री बनाते हो, डेबिट कैश क्रेडिट इनकम अकाउंट, तो जितना भी कैश रिसीव होगा वो इधर आएगा। जितना कैश रिसीव होगा वो सारा का सारा इधर आएगा, और जितना भी इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, इनकम को क्रेडिट करके अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में जितना आपने बनाई हुई है, पीएनएल में जितनी इनकम बनाई हुई है, वो सारी की सारी इस साइड पे आ जाएगी। सर फाइंड क्या करना होगा, सर फाइंड करना होगा आप लोगों ने ये निकलेगी बैलेंसिंग अमाउंट कैश रिसीव्ड, ये कैश रिसीव्ड की बैलेंसिंग अमाउंट आएगी सर, ये सर स्टोरी है। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव की जगह डिविडेंड रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, इसी तरह रेंट इनकम की, रेंटल इनकम निकालनी हो तो इसकी इसकी जगह सबकी जगह क्या लगा लो, रेंट लगा लो।
इसी तरह ब्रॉडबैंड बैलेंस आ सकते हैं, अगर कोई ब्रॉडबैंड बैलेंस आ रहा हो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस का, यानी अगले साल का अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस कर लिया है तो इधर आएगा। अगर आप गौर करो तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, गौर करोगे तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोगों को लगेगा। तो ले जी ये इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर ईयर एंड पे भी कोई रिसीव एडवांस में किया हो, इंटरेस्ट यूजली एडवांस में रिसीव नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट रेंट वगैरह मिल सकते हैं आपको एडवांस में। तो सर ये सर स्टोरी है सर, ये इंटरेस्ट इनकम अकाउंट है। अब नॉन करेंट एसेट्स पे अगर हम लोग मूव करें तो नॉन करेंट अकाउंट पे अगर हम लोग मूव करें तो पहला अकाउंट कैरिंग वैल्यू का अकाउंट है। तो लेट्स सी जी कि कैरिंग वैल्यू के अकाउंट में हम क्या करते हैं। तो कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बना के इसको थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंड करते हैं। एक दफा कैरिंग वैल्यू समझ आ गई तो फिर कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी समझते हैं। तो कैरिंग वैल्यू नॉन करेंट एसेट्स में दो सिचुएशंस बनती हैं। ले सर ये आ गया नॉन करेंट एसेट्स का कैरिंग वैल्यू का अकाउंट। तो ये नॉन करेंट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू का अकाउंट आ गया जी आप लोगों के पास। ये ले सर ये कैरिंग वैल्यू का अकाउंट। इसमें क्या होता है सर, जो चीज एसेट को बढ़ाती है वो डेबिट साइड पे, और जो चीज एसेट को कम करती है वो क्रेडिट साइड पे। सर इसमें क्या होगा सर, ओपनिंग बैलेंस एसेट का इधर आ जाएगा, क्लोजिंग इधर आ जाएगा। कैश एडिशन एसेट को बढ़ाती है, क्रेडिट एडिशन उधार पे खरीद लोगे तो बढ़ाएंगी। रिवैल्यूएशन गेन से एसेट बढ़ता है, रिवैल्यूएशन गेन से। फिर कभी कभार एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है डीकमिशनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू पे वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगी, यूजली आता नहीं है एफआर वन में नहीं है। डिस्पोजल पे अगर हम बात करें तो ये डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू आनी है इधर, यहाँ पे डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू आनी है। तो पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जब ये अकाउंट बना रहे होते हैं ना तो यहाँ पे डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू की जगह एसेट बिका कितने का वो ले आते हैं, एसेट बिका कितने का है वो ले आते हैं यहाँ पे, एसेट बिका कितने का है वो ले आते हैं यहाँ पे। तो ये गलती है कॉमन सर, डबल एंट्री होती है डिस्पोजल की डेबिट कैश, क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू, और बैलेंसिंग अमाउंट होता है लॉस या प्रॉफिट। लॉस डेबिट पे और क्रेडिट पे प्रॉफिट। सर आपने कौन सी अमाउंट लानी है यहाँ पे प्लीज देखें जरा। सर आप लोगों ने ये अमाउंट लिखनी है, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, लोग भूलते हैं जल्दी जल्दी में ना, जितने का बिका वो इधर ले आते हैं, गलत होगा सर। रिवैल्यूएशन लॉस इधर आ जाएगा सर, वी विल हैव रिवैल्यूएशन लॉस हियर। डेप्रिसिएशन इधर आएगी, कैरिंग वैल्यू का अकाउंट है, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो एसेट क्रेडिट हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस इधर आएगा, जितना लॉस है सारा इधर आएगा, जितना लॉस सारा इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री होती है लॉस टू एसेट, गेन इधर आएगा। कैरिंग वैल्यू में रिवैल्यूएशन गेन लॉस खुद इधर आ जाते हैं, गेन लॉस की वैल्यू इधर आती है। तो सर ये कहानी है, जब फाइनल करेंगे ना तो यू विल गेट दिस कैश एडिशन, ये चाहिए होगा कैश एडिशन। अच्छा सर कैश एडिशन चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए सर। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कैरिंग वैल्यू की, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं अब आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ कैरिंग वैल्यू के अकाउंट के लिए, आप जल्दी से मुझे बना देंगे ताकि जरा कॉन्फिडेंस आता जाए हमें वापस। रिवीजन ही चल रही है, आई होप आप लोगों को ये चीजें पता भी होंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जरा हमने क्वेश्चंस करने हैं तो जरा बिल्कुल यहां से लेके चले। तो सर ये एक एग्जांपल वन आप लोगों के सामने आ गई है, प्लीज बताएं जरा करना क्या, सॉल्व करना है सर, एग्जाम्पल वन सॉल्व करनी है। शाबाश, आई नीड कैश एडिशंस, मुझे कैश एडिशंस चाहिए। एक एसेट को प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इस साल में कितने खरीदे, आई एम वेटिंग सर। शाबाश शाबाश, कैश एडिशन चाहिए यार गाइस, जल्दी से थोड़ा और जूम इन कर देता हूं। कैश एडिशंस, आई नीड कैश एडिशंस।
Anyone? Cash additions. ठीक कैलकुलेट किया यार, जितने भी लोगों ने वैल्यू दी हैं बिल्कुल ठीक दी हैं, शहजादे लोग हैं आप लोग। लेजर करना क्या था हम लोगों ने, ये हम लोगों ने अकाउंट बनाया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का। इसमें ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास आ रहा था वो 1860 आ रहा था, 30 हम लोगों ने कॉमन ले ली, 1860 हमने एसेट का बैलेंस था डेबिट साइड पे लिखा, और फिर इट हैड इंक्रीज टू, ये क्लोजिंग है, बाय नहीं है, इंक्रीज बाय का मतलब होता है ओपनिंग में ऐड करके क्लोजिंग निकलेगा, जो इंक्रीज बाय होगा वो प्लस ओपनिंग मिलके क्लोजिंग बनेगा, यहाँ पे इंक्रीज टू है तो ये क्लोजिंग बैलेंस ही है। ओके 2880 शाबाश। अब उसने कहा जी ड्यूरिंग द ईयर प्लांट विद द कैरिंग वैल्यू 240 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 90। इसकी डबल एंट्री बनानी है आप लोगों ने, डेबिट कैश जी सर, फिर डेबिट लॉस है, कैरिंग वैल्यू गिवन है, तो क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू आ गई। ये डबल एंट्री बनानी जरूरी है कि क्यों, अभी बताते हैं आपको। 240 आ गया जी इधर कैरिंग वैल्यू पे, लॉस कितना था 90, और बैलेंसिंग अमाउंट ये आएगी, ये कैश बैलेंसिंग अमाउंट होगा, देखें कितना कैश आ रहा है, 150 आ रहा है, बैलेंसिंग अमाउंट नहीं गिवन, बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, तो फिर बैलेंसिंग अमाउंट कितनी आ रही है यार जरा जल्दी से बता दें जी। बिल्कुल ठीक है, 150 आ रही है सर, ये क्यों 150 चाहिए अभी समझाते हैं, एसेट को बेचने पे कितना कैश फ्लोज आए ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना होता है। ओके अब क्या करें सर, एसेट की कैरिंग वैल्यू, ये कैरिंग वैल्यू कितने का बिका इधर नहीं लाना होता, कितने की क्या कैरिंग वैल्यू हो इधर लाना होता, तो डिस्पोजल ये इधर आ जाएगी सर 240 कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट डिस्पोज्ड इधर आनी होती है। फिर वो कह रहे थे डेप्रिसिएशन इस दफा जो चार्ज किया 100,000 की है, सॉरी 280 डेप्रिसिएशन चार्ज है, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो ये डेप्रिसिएशन आपने क्या करनी है इधर लिख देनी है 280।
फिर सर रिवैल्यूएशन गेन आया इस दफा 100, वो कह रहा है कि हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड किया, इसकी एंट्री होती है एसेट टू गेन, तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए ये ले ली, अब मुझे बैलेंसिंग अमाउंट चाहिए, यहाँ से कैश एडिशन आ जाएंगी। तो जब मैंने बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड करने की कोशिश की तो यहाँ पे कैश एडिशन आ गया, और ये बैलेंसिंग अमाउंट है, अकाउंट को बैलेंस करने से ये अमाउंट आ रही है 1440। तो ये जितने लोग हैं ये सारे सही बता रहे हैं 1440, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। अब मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनानी है, तो कोई बताएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें जानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें जानी है? तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने दो चीजें लिखनी है जाके। पहली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने जो चीज लिखनी है वो क्या है जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एसेट कितने का बिका, ये आएगा 150 इधर। फिर ये कैश एडिशंस खरीदे कितने के, ये इधर आएंगे। ये दो चीजें इधर आनी है। तो अब अगर मैं इधर लिख के दिखा दूं आप लोगों को, तो सर 150 यहाँ पे पॉजिटिव है, एसेट को बेचने पे इतने पैसे आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और एसेट्स को खरीदने पे 1440 लगे, ये इधर आ जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये जो पैसा गया है वो नेगेटिव है, जो आया है वो पॉजिटिव है। मुझे बताएं और एग्जाम्पल की जरूरत है, प्लीज बताएं इस एग्जाम्पल की जरूरत है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाना है, बता सकते हैं जरा जल्दी से, दो मिनट में, दो मिनट नहीं एक मिनट में, क्विकली, टाइम नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाना है? सिर्फ वो चाहिए, मैं बैनी अकाउंट बनाऊंगा। बच्चों बेहतरीन सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 305 आ रहा है जी कैश एडिशंस। टी अकाउंट बनाएंगे तो कैश एडिशंस आएगा 350, डिस्पोजल कोई है नहीं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इस क्वेश्चन से आप लेके जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितनी अमाउंट, 305 इस दफा कैश एडिशन है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नाम से चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया जी, आई होप सारे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कोई टेंशन हो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। 410 BD बैलेंस था,
एंड द सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस हुआ 680, रिवैल्यूएशन हुई थी 210 की कैरिंग वैल्यू चली गई थी 290 पे। यहां पे ना आपने गेन लिखना होता है, यहां पे गेन लिखना होता है, तो रिवैल्यूएशन गेन था 80 का, तो ये रिवैल्यूएशन गेन 80 आ गई। डेप्रिसिएशन टू एसेट एंट्री होती है, तो एसेट क्रेडिट होना चाहिए 115 से, तो इस तरह यहां पे कैश एडिशन आ गई है 305। लें सर, ये एक अच्छी कहानी थी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और वो आपने उठा के लिख दिया, गुड हो गया सर। ये आप लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की स्टोरी थी, अगर कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बनाना हो। अब आप लोगों को सर दो अकाउंट्स और भी बनाने पड़ सकते हैं, यानी कैरिंग वैल्यू की बजाय हो सकता है कैश एडिशन आपको कहां से निकालना पड़े, कॉस्ट अकाउंट। तो सर कॉस्ट अकाउंट से निकाल लें, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सेपरेट बनेगा और वहां से आपको मिलेगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मिलेगी। अब इस पे जरा थोड़ी देर रुक के जरा बात को समझते हैं और बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर बताएं जी क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो प्लीज जरा देखिएगा। ये ना सर, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अकाउंट आ सर। अब कॉस्ट अकाउंट है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन लॉस नहीं आने, ये जरा फर्क है। यहां पे दो एंट्रीज बनती हैं रिवैल्यूएशन की, ये जरा बात सुनना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के टाइम पे खत्म करते हैं आप और एसेट को क्रेडिट करते हैं आप, पहली एंट्री होती है ये। रिवैल्यूएशन एंट्रीज क्या होती हैं, रिवैल्यूएशन एंट्रीज में अब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करते हैं। कैरिंग वैल्यू में इस तरह का पंगा ही नहीं था, वहां पे सिर्फ गेन लॉस रिकॉर्ड होता है क्योंकि एक्यूमुलेशन का सेपरेट अकाउंट होता ही नहीं है, यहां पे सेपरेट अकाउंट है। तो पहली रिवैल्यूएशन एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, और दूसरी एंट्री बनेगी या तो एसेट टू गेन, रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन सरप्लस, या फिर लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस टू एसेट। लें सर मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों ये जो एसेट की एंट्री है ना, ये एसेट की एंट्री और ये एसेट की एंट्री मिलके इधर आएंगे, दोनों क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, या फिर ये दोनों नेट ऑफ होके आएंगे, ये क्रेडिट ये डेबिट, नेट ऑफ इफेक्ट आएगा यहाँ पे। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो एंट्रीज बनानी पड़ेंगी तसल्ली से, और फिर यहाँ पे कॉस्ट के अकाउंट में पोस्ट करनी पड़ेगी दोनों को मिला के। देखिये नीचे वाली एंट्री में से तो एक ही है। अब आप कहेंगे सर जरा थोड़ा और इलेबोरेट करें, तो मैं एलेबोरेट करने लगा हूं, मैं वैल्यूज लेने लगा हूं। आप मुझे बताएंगे कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कॉस्ट अकाउंट में क्या वैल्यू लिखेंगे आप। सर अगर मैं कहूं कि ये एंट्री बनी है 30 से और ये एंट्री बनी है 20 से, जल्दी से बताएं जरा कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में कितनी वैल्यू आएगी और किस साइड पे आएगी, बताएं। साइड भी बतानी है मोहसिन, साइड भी बतानी है। साइड भी बतानी है। मोहसिन नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी लोग देखो ना यार बच्चों, एसेट क्रेडिट हो रहा है 30 से, डेबिट हो रहा है 20 से, जब दोनों आपस में ऑफसेट होंगे तो बचेगी क्या एंट्री, एसेट ओवरऑल क्रेडिट हो रहा है या ओवरऑल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मोहसिन क्या ख्याल है, इसका मतलब है यहां पे 10 आएगा, यहां पे 10, यहां पे आएगा, ठीक है, ये बात समझ लगी मोहसिन, ओके है जी। चल ये एंट्री पास किया आप लोगों ने 50 से और 50 से। आप मुझे बताएं जरा कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट अकाउंट में क्या लाना है, ये कॉस्ट या मार्केट अकाउंट होता है, बिल्कुल ठीक मोहसिन, बिल्कुल ठीक आजम, बिल्कुल ठीक उमेर, बिल्कुल ठीक बबर शेर, आप लोग बबर शेर हो, आप लोग नहीं हो,
ये बिल्कुल ठीक है जी, शहजादे लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर 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 ये एंट्री हुई, ये 30 है, ये 10 और ये 10, अब मुझे बताएं कि कितने से एंट्री आनी चाहिए। गेन लॉस में से कोई एक एंट्री आएगी, एक्युमुलेट एप्शन आपने हमें, क्रेडिट 40 होगा, ज्यादा लोड। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे 40 यहां पे आएगा, पिछली एग्जांपल में यहां पे 20 आना था, ठीक हो गया। अच्छा ले सर, ये कहानी थी। तो ये प्लीज जरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, मुझे जरा बताना, अगर एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन गिवन ना हुई रीवैल्यूड एसेट की, तो एक तरीका तो ये है ना कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो बता दे कब खरीदा था। अब रिवैल्यूएशन कब हो रही है, तो हम खरीदने से लेके डेप्रिसिएशन का तरीका गिवन, और खरीदने से लेके रिवैल्यूएशन तक उसकी एक्युमुलेटेड एप्शन निकाल लेंगे। एक तो तरीका ही है जो हम करते भी आए हैं 16 में। क्या तरीका है जी डिस्पोजल की एंट्री, रिवैल्यूएशन की एंट्री का, कि वो आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये मुझे चाहिए होगी ना। मैं आप जरा थोड़ा सा चीज को बेहतर करने लगा हूं। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको चाहिए, चाहिए ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये दो तरीके से निकल सकती है। पहला कि आपको वो देख के कब कब खरीदा था या कब रीवैल्यू हुआ था लास्ट टाइम, और अब कितने साल गुजर गए इस बात को, और लाइफ वगैरह दे दे या डेप्रिसिएशन रेट्स दे दे, तो आप पुरानी रीवैल्यूएशन से या जब से खरीदा है, अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन है तो जब खरीदा था तब से लेके अब तक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अगर रीवैल्यूएशन बार बार हो रही है तो पुरानी रीवैल्यूएशन से लेके अब तक क्या निकाल लेंगे, अब तक की रिवैल्यूएशन डेट तक एक्युमुलेटेड निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो समझ आती है ना कैलकुलेशंस में कि कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे। बट अगर आपको वो ये एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन ना दे, तो कौन से अकाउंट से निकल सकती है? इज देयर एनीवन जो मुझे बताए कौन से अकाउंट से निकल सकती है अगर ये एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन ना दे? अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के टाइम पे ना हो तो मैं किस अकाउंट से निकाल सकता हूं? भाई है कोई भाई बहन जो मुझे बता दे कि क्या चल रहा है? मुश्किल आ रही है ना, देखा मुश्किल आ रही है। वो तो होगी ना, वो तो कैलकुलेशंस हो सकती है ना, वो तो कैलकुलेशंस होंगी। मैं कह रहा हूं कि रीवैल्यूएशन डेट पे पुरानी जितनी एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन होती है वो आपने खत्म करनी होती है, और डबल एंट्री बनती है एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन टू एसेट। मैं कह रहा हूं कि एक तो है कि कैलकुलेशंस हो जाएंगी कि जब से खरीदा है तब से, या पुरानी रीवैल्यूएशन से लेके अब तक की वो मुझे बता देगा कि लाइफ क्या है और मेथड्स क्या है, और मैं वैल्यूज खुद कैलकुलेट कर लूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर करके एक्युमुलेटेड कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर गिवन ना हुई तो कौन से अकाउंट से निकल सकती? मेरा क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों? जी नहीं बच्चों, कमाल करते हो यार। यार एक एंट्री है, हद होगी है, एक एंट्री है। उस एंट्री एंट्री का डेबिट क्या है बताएं जरा, एंट्री का डेबिट क्या है, उस एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है बताएंगे? एंट्री का डेबिट क्या है? एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट, मुझे एसेट में लिखने की के लिए चाहिए, एसेट के अकाउंट में लिखने के लिए चाहिए, ऐसे ही है ना? यहां पे चाहिए ना मुझे 30, और ये 10 क्रेडिट हो रहा है, ये भी चाहिए, दोनों मिला के 40 बनते हैं। मिला के लिख लो या अलहदा अलहदा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर मुझे एसेट में लिखने के लिए ये अमाउंट चाहिए तो एसेट के अकाउंट से तो नहीं निकलेगी, कौन से अकाउंट से निकलेगी यार? तो डेबिट साइड पे है। एक डबल एंट्री में क्रेडिट एसेट हो रहा है कितने से मैंने जानना है, तो जो उसका डेबिट साइड पे है उस अकाउंट से निकल आएगी। कम ऑन गाइस,
और ये देखें, ये लिखा भी हुआ है, ये accumulated appreciation, सर ये accumulated appreciation debit हो रहा है, asset credit हो रहा है, तो ये accumulated appreciation में revaluation के time पे ये debit इधर आना है ना, तो यहां से निकल सकता है ये, बात समझ लगी या नहीं? अगर revaluation के time पे accumulated appreciation नहीं given, तो इस account से निकल सकती है accumulated appreciation के account से, क्योंकि entry कह रही है accumulated appreciation to asset है, मुझे एसेट में लिखने की लिए चाहिए, तो ये तो मैं बना रहा हूं, ये यहां से तो नहीं निकलेगी, तो फिर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन से निकल आएगी। क्या इतनी बात समझ आई? चले मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। रीवैल्यूएशन के टाइम पे मैंने एक एंट्री बनानी है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन टू एसेट, पुरानी सारी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है। अगर एसेट मुझे ये गिवन ना हो, कैलकुलेट भी ना हो सके, तो मैं किस अकाउंट से निकाल सकता हूं, ये वाली एंट्री में किस अकाउंट से निकाल सकता हूं, प्लीज बताए, आंसर दे जल्दी से। थैंक यू आजम, बिल्कुल ठीक, बाकी लोग भी जो समझ में आया लिख दें, तो आंसर है सर बिल्कुल ठीक, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से निकाली जा सकती है, accumulated appreciation से। फिर होगा ये कि आपको सब कुछ दे देगा वो, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, सिर्फ balancing amount इधर से revaluation के time पे जो accumulated appreciation है वो आएगी। अच्छा थोड़ा और बेहतर करते हैं। अब आपको ना disposal की entries भी चाहिए होती है, revaluation की दो entries होती है बच्चों, एक entry होती है eliminate करनी होती है आपने पुरानी accumulated appreciation सारी, eliminate accumulated appreciation, previous accumulated appreciation, add revaluation date. दूसरा revaluation gain या loss book करना होता है आप लोगों ने, gain और loss book करना होता है आपने, ये ले, ठीक है। अब इसी तरह disposal की भी दो entries होती हैं, disposal की entry में क्या होगा जरा गौर करें सर, disposal की double entries में आपने accumulated appreciation को eliminate करना है, accumulated appreciation को आपने eliminate करना, फिर ये disposal पे भी accumulated appreciation चाहिए होती है, credit asset की cost होती है जी, जरा जल्दी से बताएं, credit disposal account होता है या debit cash होता है सर, credit asset cost होती है सर, और ये balancing amount जो आप लोगों के पास आ रही है, ये profit या loss होता है, ये entry होती है, profit credit side पे आ जाएगा, loss debit side पे, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। मुझे बताएं कि अगर ये accumulated appreciation भी given ना हुई तो कहां से निकलेगी, तो आंसर है accumulated appreciation नहीं भी given तो accumulated appreciation के अकाउंट से निकलेगी। एक बात बताई थी, जो चीज आपने कैलकुलेट करनी होती है ना, आप उसका अकाउंट बना लेते हैं, मुझे revaluation के टाइम पे कितनी accumulated appreciation है नहीं मिल रही, कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो accumulated appreciation के अकाउंट से निकल आएगी। मुझे डिस्पोजल के टाइम की accumulated appreciation नहीं given, क्योंकि डिस्पोजल पे भी eliminate करनी होती है accumulated appreciation को, तो वो नहीं given, तो वो भी accumulated appreciation के account से निकलेगी, लेकिन at a time निकलेगी ये। इसका मतलब ये है कि ये balancing amount होगी, अब वो आपको ये भी दे देगा, closing भी दे देगा, opening भी और depreciation for the year भी दे देगा। प्लीज ये बात समझें। अब अगर मुझे बताएं कि मुझे depreciation for the year चाहिए, depreciation to accumulated appreciation entry है, मुझे ये चाहिए, तो मैं कौन से अकाउंट से कैलकुलेट कर सकता हूँ बताएं जी, मुझे ये चाहिए, मैं कौन से अकाउंट से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये चाहिए मुझे, तो सर इसके गेंस जो है वो उसके अकाउंट से निकल आएगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट से। थैंक यू सो मच, बात से लगी है। तो सर ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं है तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट से निकल सकती है, डन है। चले एक और बात समझाता हूं मैं जरा, ये देखना, ये अप्लाई भी किया आप लोगों ने, मुझे बताएं कि डेटर टू सेल्स ये डबल एंट्री होती है, मुझे सेल्स चाहिए, ये सेल्स मुझे सेल्स चाहिए, तो या तो सेल्स का अकाउंट बनाऊं वो गिवन नहीं है, या फिर मैं कौन सा अकाउंट बनाऊं तो ये सेल्स कैलकुलेट हो सकती है, डेटर का अकाउंट। थैंक यू सर, परचेजेस टू पेएबल होती हैं सर, परचेजेस टू पेएबल होती हैं, मुझे परचेजेस चाहिए, गिवन नहीं है, अकाउंट भी नहीं बन सकता, डेटा ही नहीं है, तो फिर मुझे बताएं कौन से अकाउंट से कैलकुलेट करूंगा, पेबल के अकाउंट से। तो चले बताएं अब इस एंट्री में आए, जरा इधर देखें, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन टू एसेट है, मुझे इस एसेट के अकाउंट में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिखनी है, ये एसेट क्रेडिट कितने से हो रहा है मैंने जानना है, मुझे नहीं पता,
तो मैं भाई कौन से अकाउंट से निकाल सकता हूं, अब ये रूल लगाए accumulated redemption के अकाउंट से। और ये होगा कैश फ्लोज का मुश्किल वाला क्वेश्चन, जिसमें डिस्पोजल की accumulated appreciation नहीं देगा, जिसमें revaluation की accumulated appreciation नहीं देगा, और वो आपको कहेगा accumulated appreciation का अकाउंट बना के निकाल लें। यानी आप revaluation कर रहे हैं, क्वेश्चन में बता रहा है revaluation है, और वो कहेगा कि revaluation करें, लेकिन कमीना accumulated appreciation calculate करने का ना कोई तरीका देगा, ना कोई accumulated appreciation किसी भी तरीके से calculate हो सकती है। तो एक तो हल ये है कि carrying value बना लें। कैरिंग वैल्यू के अकाउंट में अच्छी बात यह है कि सिर्फ गेन लॉस लिखना होता है, कैरिंग वैल्यू के अकाउंट में सिर्फ रीवैल्यूएशन गेन, जितना गेन है जितना लॉस है सिर्फ वो लिखना होता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं, ये आपको कैरिंग वैल्यूज की कोई खबर नहीं है, तो फिर भाई जान आपको एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन भी चाहिए। क्या हम यहां तक साथ हैं, प्लीज बताएं जरा। जी सर की बात है, साथ हैं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चल मैं एक छोटी सी बात करूंगा, आप मुझे सॉल्व करके देंगे। अब मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूं तो जरा गौर करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, प्लीज जरा आप समझनी है। अच्छा बात समझनी है, ले सर हमारे पास आ रहे हैं यार बच्चों ब्रॉड ऑन बैलेंसेज आ रहे हैं, जरा गौर करना, और कैरिड ऑन बैलेंसेज भी आ रहे हैं, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कॉस्ट का, बिल्डिंग कॉस्ट का आ रहा है, और बिल्डिंग बिल्डिंग कॉस्ट आ रही है हमारे पास रुपीज में है, सारी वैल्यूज 300 और ये है 400, सारी वैल्यूज रुपीज में है। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस भी आ रहा है, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस, और वो आ रहा है 100, और यहां पे आ रहा है एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ रहा है जी, यहां पे आ रहा है 130। क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है एंटिटी डिस्पोज्ड और करना है, एंटिटी डिस्पोज्ड प्लांट फॉर डॉलर या रुपीज, फॉर रुपीज 250, एसेट बेचा है 250 का, एसेट 250 का बेचा है, एसेट कितने का बेचा है 250 का, उसकी जो डेप्रिसिएशन, अच्छा ये एक नोट है आगे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर जो है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कितना है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ये है रुपीज, इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो 200 चार्ज हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है कितनी चार्ज हुई है जी, डेप्रिसिएशन 200 सर। एंटिटी डिस्पोज प्लांट फॉर 250 एंड अ लॉस, एक लॉस अराइज हुआ है जी, लॉस अराइज हुआ है, कितना लॉस अराइज हुआ है यार, रुपीज 60 का, ये लॉस राइज हुआ है रुपीज 60 का। आपको कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है जी आप लोगों को, आपको कहा जा रहा है कि आप दे दें डिस्पोजल की एंट्री बना दें, सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री बना दें, बल्कि नहीं कैश एडिशंस निकालें, कितने कैश एडिशंस है, कैश एडिशंस निकाल लें आप लोगों ने, और आपने डिस्पोजल की एंट्री कंप्लीट करनी है, डिस्पोजल एंट्री कंप्लीट करनी है, बताएं यार डिस्पोजल एंट्री कंप्लीट करें, पहले डिस्पोजल एंट्री कंप्लीट करें, कैश एडिशंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जी सर डिस्पोजल एंट्री, डिस्पोजल एंट्री कंप्लीट करें यार, कॉस्ट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन सेपरेट के साथ,
कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डबल एंट्री में मुझे सेपरेट चाहिए, डिस्पोजल एंट्री मुझे चाहिए बस। क्या किया जी आप लोगों ने, प्लीज बताएं जरा। जी सर, डिस्पोजल की डबल एंट्री होती है या डेबिट करेंगे आप लोग कैश? डेबिट करेंगे आप लोग, लॉस आ रहा है लॉस। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के साथ एंट्री बनानी है आपने, तो डेबिट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और क्रेडिट करना है आप लोगों ने एसेट कॉस्ट। अब क्या नहीं गिवन आपके पास, ना एसेट कॉस्ट है, ना कैश है, ना लॉस है, ना एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। तो आंसर है सर, कैश मेरे पास है 250 का, लॉस मेरे पास है 60 का, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और कॉस्ट नहीं। तो क्या करें, या तो कॉस्ट का अकाउंट बना लें या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट बना लें। तो मैं कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दोनों अकाउंट बनाने लगा हूं, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब अगर मैंने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है तो मुझे करना क्या चाहिए, जरा जल्दी से बताएं। ब्रॉडर्न बैलेंस है हमारे पास, कितना ब्रॉडर्न बैलेंस है 300, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 400, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 100, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 130। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इधर आ जाएगी सर, ये लें जी डेप्रिसिएशन इधर आ गई 200। जरा जल्दी से बताएं, जरा क्या करना चाहिए। कॉस्ट का अकाउंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ना कैश एडिशन है, ना कोई डिस्पोजल की अमाउंट गिवन है, तो नहीं पता, तो ये तो नहीं बन सकता। तो यहां से एक अमाउंट आएगी बच्चों डिस्पोजल की, बताएं कितनी आ रही है यार, यानी कितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इस साल डिस्पोजल के डेट पे एलिमिनेट हुई है। बताएं 170 आ रही है, ये 170 इधर से आया है सर, 170 इधर लिखेंगे। अब मुझे बताएं एसेट की कॉस्ट कितनी आएगी, बैलेंसिंग अमाउंट कितनी आ रही थी, बैलेंसिंग अमाउंट यहां पे 480 आ रहा है, ये 480 उठाएंगे आप यहां पे लिखेंगे और कैश एडिशन ज्यादा, बताएं कितनी है कैश एडिशन। जी सर 580। ये था कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालना। इसमें देखिए अगर आप तो थोड़ा सा पंगा ज्यादा है। अब जरा गौर करना मेरी बात। अब अगर मैं सिंपल ये कर लेता कि मैं चुप करके कैरिंग वैल्यू का ही अकाउंट बना लेता, मैं एक हल देने लगा हूं, जरा सुनना, जरा कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बना लेता तो मैं ज्यादा इजी रहता। अगर मैं कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बना लेता तो मैं ज्यादा इजी रहता। सर वो कैसे आप ज्यादा इजी रहते हैं? सर ब्रॉड डाउन बैलेंस देखें कैरिंग वैल्यू का, ये देखें जरा 200, इधर कैरिंग वैल्यू जो आ रही है 400 में से 130 माइनस हुआ तो ये बना 270। तो मैंने क्या किया, 200 लिखा इधर, टू इधर क्लोजिंग बैलेंस 270 लिखा, ये लें क्लोजिंग ओपनिंग आगे। अब डिस्पोजल की एंट्री में कैरिंग वैल्यू वाली बनाता, डिस्पोजल की एंट्री कैरिंग वैल्यू वाली क्या होती है, डेबिट कैश होता है जी, क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू होती है, लॉस आ रहा है क्वेश्चन में बताया हुआ है लॉस है तो डेबिट लॉस का, डेबिट लॉस, तो डेबिट कैश, डेबिट लॉस, क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू। अब क्या एंट्री बनेगी देखना जरा, कैश 250 है, कैश कितना है 250, ओके लॉस कितना था 60। अब मुझे बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी है, बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू कितनी है 310। ये कैरिंग वैल्यू उठाते हैं इधर ले आते हैं, अब मुझे बताएं कैश एडिशन कितना आ रहा है, अब बताएं कैश एडिशन कितना आ रहा
सर डेप्रिसिएशन भी आनी है सर, इधर डेप्रिसिएशन फॉर द चार्ज भी इधर आनी है सर, 200 डेप्रिसिएशन चार्ज भी तो लिखनी थी कैरिंग वैल्यू में, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब मुझे बताएं कैश एडिशन कितना आ जाएगा, 580। ले जी दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं सेम। अब मुझे एक बात बताएं, जब दोनों सेम आ रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बनाना ज्यादा इजी है, प्लीज बताएं कौन सा अकाउंट बनाना ज्यादा इजी है, बताएं कौन सा अकाउंट बनाना ज्यादा इजी है, बताएं कैरिंग वैल्यू वाला अकाउंट बनाना ज्यादा इजी है। लेकिन अब मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं, बच्चों को ना क्वेश्चंस में बहुत मसला आता है कि सर सेपरेट अकाउंट कब बनाना है और कैरिंग वैल्यू वाला अकाउंट बनाना है, इस बात पे डिबेट रहती है। मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया और दोनों बना के दिखा दिए, एक ही क्वेश्चन बनाया और दोनों बना के दिखा दिए। अब मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन देने लगा हूं, सर कैरिंग वैल्यू का अकाउंट तब तब बन सकता है जब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन होगी। जब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन होगी ना, तो कैश एडिशन कैलकुलेट करने के लिए कैरिंग वैल्यू अकाउंट बनाया जा सकता है। जब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन होगी तो कैरिंग कैश एडिशन निकालने के लिए कैरिंग वैल्यू बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन गिवन ना हुई, अगर आंसर्स दोनों से सेम आने हैं, तो फिर आपको सेपरेट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा कॉस्ट का, फिर आपको कॉस्ट का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो रूल क्या निकाला है हम लोगों ने यहां से, कैश एडिशंस क्या रूल है जी, कैश एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट करने के लिए, कैश एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कैलकुलेशन थ्रू कैरिंग वैल्यू कब हो सकती है, जरा जल्दी से बताएं, थ्रू कैरिंग वैल्यू अकाउंट कब हो सकती है, जब कैरिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर या तो गिवन हो या कैलकुलेटेबल हो। जी सर, थ्रू कैरिंग वैल्यू अकाउंट टी अकाउंट व्हेन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज गिवन और कैलकुलेटेबल, यानी उसके लिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होना जरूरी है, व्हेन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो, व्हेन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे। और अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन नहीं है, तो पहले या तो कैलकुलेट करके कैरिंग वैल्यू अकाउंट बना लो, या फिर आप कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। क्या ये बात समझ लगी है सबको, प्लीज बताएं। ले सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डन। जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है बच्चों, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने क्या करना होता है, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी कैश फ्लोज आएंगे वो सारे के सारे होते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ले जी, अब यदि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी कैश फ्लोज आएंगे उन्हें हम बोलते हैं के इक्विटी। अब जरा गौर करना है, वर्ड पे गौर करना है आप जरा, सर कौन कौन से कैश फ्लोज आते हैं जी इधर। सर सबसे पहले इक्विटी से रिलेटेड जितने भी कैश फ्लोज होंगे वो सारे के सारे इधर आएंगे। पहला क्या है जी, इक्विटी। अब मेरे भाई इक्विटी से रिलेटेड कैश फ्लोज इधर आते हैं जी, बिल्कुल सर। इक्विटी में होते हैं शेयर्स इशू किए होते हैं आप लोगों ने, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं आपने। जब आपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं तो आप सबको पता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने पे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम राइज होते हैं। तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम से रिलेटेड जितने भी कैश फ्लोज हैं वो सारे के सारे इधर, इक्विटी से रिलेटेड। अच्छा, इसका मतलब है ऑर्डिनरी शेयर्स से रिलेटेड, तो सर ऑर्डिनरी शेयर्स पे रिलेटेड ओके। फिर किससे रिलेटेड जी, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी लोन्स। तो फाइनेंसिंग का मतलब है इक्विटी प्लस लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सर लोन से रिलेटेड जितने कैश फ्लोज हैं वो इधर आएंगे। अब मुझे कोई बताएगा कि सोल ट्रेडर्स में कंपनी में तो हम कहते हैं कि यार इक्विटी है, सोल ट्रेडर्स में हम इन्हें क्या बोलते हैं, बताएं जरा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पे बात हो रही है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब
इक्विटी और मतलब सोल ट्रेडर्स इक्विटी कंपनीज में, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इक्विटी है, लेकिन सोल ट्रेडर की बनाएंगे तो क्या कहेंगे बताएं जी? इक्विटी को सोल ट्रेडर की बुक्स में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, कैपिटल कहते हैं। तो सर यहां पे कैपिटल से रिलेटेड मूवमेंट्स, अब जरा दोनों में फर्क समझना, क्योंकि कैश फ्लो सोल ट्रेडर की भी आ सकती है और कैश फ्लोज कंपनी लेवल पे भी आ सकती है, तो दोनों का अब ख्याल रखना पड़ेगा। अब जरा और करना दोनों में, लोन्स बाद में बात करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल प्लस लोन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहां से रिलेटेड जो भी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मुझे बताएं कि कंपनीज में जब कंपनी ओनर से पैसा इकट्ठा करती है तो क्या करती है? बताएं जी, कंपनीज में पैसा इकट्ठा करना है तो क्या होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? बताएं जी क्या होता है जी? पहली सिचुएशन, ओनर ने पैसा दिया तो उसे कहते हैं कैपिटल इंजेक्टेड या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। कंपनीज में इसी चीज को क्या बोलते हैं? बताएं जी, कंपनीज को इसी चीज को क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी में इसी चीज को इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इन कंपनी, बिल्कुल ठीक है, शेयर्स इशू करना। अच्छा सर, कौन से शेयर्स सर? ऑर्डिनरी शेयर्स। जी सर, आगे सर, बी सर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। ऑनर जो पैसा विड्रॉ कर ले उसे बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। और इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हो गया, यहां पे हम क्या बोलेंगे जरा जल्दी से बताएं? यहां पे हम बोलते हैं डिविडेंड्स पेड। ऑनर को जो पैसा देते हैं हम उसे डिविडेंड पेड बोलते हैं। तो इसका मतलब है सर इशू ऑफ शेयर्स और डिविडेंड पेड इन कंपनी और सोल ट्रेडर्स में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर एंड ड्राइंग्स, ये सारी की सारी काम पे जानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ओनर जो पैसा दे रहा है जो ले रहा है जो पैसा दे रहा है जो ले रहा है, कैश के जो इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं कैश के, अगर उसने फर्नीचर दे दिया तो वो नहीं, वो कैश फ्लोज में नहीं आएगा क्योंकि उसमें कैश नहीं है। तो जितना कैश की एक्टिविटीज है विद ओनर, कैश देना लेना, वो सारा का सारा किधर आना जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मैंने सोल ट्रेडर साथ बना दिया क्योंकि कुछ कैश फ्लोज के क्वेश्चन सोल ट्रेडर पे भी फोकस करते हैं। ओके सर, फिर सर आगे क्या है सर? आगे है मेरे बच्चों लोन्स। तो फिर जो भी लोन्स हैं, लोन्स भी इधर आते हैं सर। अब लोन्स इधर आते हैं तो लोन्स लोन्स ही होते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर भी लोन्स होते हैं, इधर भी लोन्स होते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कहानी ये है कि सर ठीक है होते हैं तो लोन पे तो इंटरेस्ट पेड भी होगा। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट पेड भी होगा लोन के ऊपर, तो इंटरेस्ट पेड होगा, ये ले इंटरेस्ट पेड तो इधर भी होगा और इधर भी होगा इंटरेस्ट पे। अब जरा फर्क समझे, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो लोन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो, तो ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट पेड इधर भी। अब ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों ने क्या करनी है जी? कैलकुलेट। अब ये चीजें अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो फिर करें क्या? क्या सर क्या करें सर? तो आंसर है बड़ा सिंपल सा काम है सर, इसमें क्या टेंशन है सर? यहां पे अब जरा समझना है कि कैलकुलेशंस होंगी कैसे, अब जरा और करना है, कैलकुलेशंस हम करने वाले कैसे? जी सर, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे सर। याद कैसे रखेंगे सर? सर कैसे याद रखें शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाना है? को वजह बता सकता है कैसे याद रखा जा सकता है? देखो ना, अब इतना रट्टा कौन लगाए कि इशू ऑफ शेयर्स यहां से निकलेंगे, पीपी यहां से निकलेगा, इतना रट्टा तो नहीं लग सकता होता बच्चों। रट्टा नहीं लग सकता, समझा जा सकता है, याद रखा जा सकता है लॉजिकली। तो बताएं जरा कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा, जरा जल्दी से बताएं कैसे पता चलेगा? बताए दी कैसे पता चलेगा?
शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अकाउंट से बनाया जा सकते हैं। जल्दी से बताएं यार जरा, बताएगा कैसे पता चलेगा सर? इशू ऑफ शेयर्स की डबल एंट्री सोचे सर, मुझे बताएं इशू ऑफ शेयर्स की क्या डबल एंट्री होती है, बताएं जी इशू ऑफ शेयर्स की क्या डबल एंट्री होती है। इशू ऑफ शेयर्स की क्या डबल एंट्री होती है? जी सर, डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। तो अगर ये मुझे कैश चाहिए तो मैं कहां से कैलकुलेट करूंगा, बताएं खुद सोचे सर। क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था डबल एंट्री बनाओ, एक चीज चाहिए तो उसके अपोजिट जो पड़ा हुआ है उसका अकाउंट बना लो, क्या ख्याल है? ये देखें जरा, डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट शेयर प्रीमियम, ये एंट्री होती है ना। तो मुझे ये कैश चाहिए कि कितना कैश आया शेयर्स को इशू करने की वजह से, ये तो मैं सर कौन से अकाउंट पे जाऊंगा, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के, इस तरह याद रह सकता है। अदरवाइज तो रट्टे ही है, रट्टे लगा लो जितने लगाने हैं, एंड पे भूल भी रहा होगा। अगर ये सोचा हुआ है तो बस फिर क्या भूलोगे? कोई भी पूछेगा यार कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, आप डबल एंट्री बनाएंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, यानी इशू ऑफ शेयर्स की डबल एंट्री, तो आप कहेंगे डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम से बनेगा, सिंपल है, गुड। अब मुझे बताएं डिविडेंड जो पेड है ये कहां से कैलकुलेट होगा, बताएं डिविडेंड पेड कहां से कैलकुलेट होगा, डिविडेंड पेड कहां से कैलकुलेट होगा, डिविडेंड पेड की डबल एंट्री सोचे हैं। डिविडेंड पेड की डबल एंट्री होती है, पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो इसकी डबल एंट्री होती है मेरे बच्चों डिविडेंड टू डिविडेंड पेएबल। अब जरा अकल से करना है काम, बड़ा मजेदार काम होने लगा है। डिविडेंड टू डिविडेंड पेएबल एंट्री होती है। अब एक तो बन सकता है डिविडेंड पेएबल के अकाउंट से, पुराने जमानों में ना डिविडेंड पेएबल के अकाउंट से करवाता होता था कैलकुलेट, पुराने जमानों डिविडेंड पेएबल, अब थोड़े जमाने बदल गए हैं। तो ये जो डिविडेंड है ना, अगर डिविडेंड पेएबल है तो वहां से भी निकल सकता है। अब ये डिविडेंड गया होता है रिटेन अर्निंग्स में, अब क्योंकि रिटेन अर्निंग में चार्ज हो चुका है तो ये रिटेन अर्निंग की का अगर अकाउंट बना लेंगे ना तो वहां से भी ये डिविडेंड मिल जाएगा आप। लेकिन क्योंकि डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल एंट्री होती है, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है उसकी डबल एंट्री होती है डेबिट डिविडेंड टू कैश। इसका मतलब ये है कि ये डिविडेंड अगर आप लोगों को चाहिए तो डिविडेंड पेबल से सिर्फ आपको फाइनल डिविडेंड मिल सकता है जो कि अभी पे ऑफ नहीं हुआ, बाकी नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से ना डिविडेंड पेबल में सिर्फ वो डिविडेंड मिल सकता है जो कि अनपेड है ड्यूरिंग द ईयर, जो अनपेड रह गया है, इस वजह से डिविडेंड पेबल चलता नहीं है। क्योंकि मेजोरिटी सिचुएशन में इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे हो चुका होता है, फाइनल वैसे ही अगले साल पे होना है और उसकी एंट्री भी अगले साल ही बननी होती है, तो यूजली आपको डिविडेंड पेबल ईयर एंड पे नजर आ ही नहीं रहा होता, ठीक है, और मेजोरिटी सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ये डिविडेंड रिटेन अर्निंग को चार्ज होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट दिस, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट दिस डिविडेंड पेड। ओके, आगे सर डिविडेंड पेबल का वजह बता दिया, डिविडेंड पेबल होते ही नहीं है, डायरेक्ट डिविडेंड पे हो जाता है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है इस साल या अगले साल, अगले साल तो वो तो पेबल अगले साल क्रिएट होगा, अगले साल ही पे हो गया होगा, तो यूजली डिविडेंड पेबल्स आपको नजर नहीं आते। इस वजह से रिटेन अर्निंग का अकाउंट ज्यादा रिलायबल है टू कैलकुलेट डिविडेंड पेड। लोन्स के लिए क्या करना है, लोन का अकाउंट बनाने, लोन का अकाउंट भी बन सकता है, लोन मूवमेंट्स भी ली जा सकती है, लोन अकाउंट या लोन मूवमेंट्स। सर ये लोन मूवमेंट का क्या मतलब है सर? तो लोन मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर लोन बढ़ रहा है तो पैसे आए हैं, अगर लोन बढ़ रहा है, आपने इस साल लोन बढ़ाया है और लोन ले लिया है तो इसका मतलब पैसे लिए होंगे उधार, और अगर लोन कम हो रहा है तो इसका मतलब आपने रीपे कर दिया है। तो ये लोन का कम होना रीपेमेंट को शो कर रहा है ये, और लोन का बढ़ना फर्दर लोन रेज को शो कर रहा है, फर्दर लोन रेज। तो ये सर सिंपल सी कहानी है, फर्दर लोन रेज किया आपने तो पॉजिटिव है, यानी इनफ्लोज आया है। ये सर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट, किसी भी एक्सपेंस को निकालने के लिए एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। इसी तरह टैक्स पेड निकालना है टैक्स का अकाउंट, इंटरेस्ट पेड निकालना है इंटरेस्ट का अकाउंट, कल को आप एक्सपेंसेस पेड निकालेंगे
तो एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, ये सर अकाउंट बनेंगे। सोल ट्रेडर्स में आप क्या करेंगे सर, ये एक मजेदार सी कहानी है सर। सोल ट्रेडर में क्या करना पड़ेगा, तो सोल ट्रेडर में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर्स कैपिटल के अकाउंट से निकल आएंगे, डबल एंट्री होती है ना, कैश टू कैपिटल, कैपिटल के अकाउंट से निकल आएंगे। ड्राइंग्स जो आप लोगों के पास होती हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट्स या रिटेन अर्निंग के अकाउंट से निकल आएंगी। अगर उसने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन दे दिए हैं सेपरेट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब रिटेन अर्निंग्स, अगर सेपरेट दे दिए हैं तो उधर से निकल आएंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ही है। तो ये कैपिटल अकाउंट से निकलेंगे, ये भी कैपिटल अकाउंट से निकलेंगे। अब ऑब्वियसली कोई एक ही चीज निकल सकती है कैपिटल अकाउंट से, लोन उसी तरह निकलेंगे, इंटरेस्ट पेड उसी तरह निकलेंगे। तो सर ये सर स्टोरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। अब मैं चाह रहा हूं कि जरा जल्दी से क्विकली से हम एक दो एग्जांपल्स करके देख लें कि अगर इशू ऑफ शेयर्स का कैश निकालना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जल्दी से जरा हम लोग एक दो एक्टिविटीज इस तरह की करके देख लें। तो एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने जी, लेट्स सी कि वो क्या क्वेश्चन है और उसमें हम लोगों ने करना क्या है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने किसका जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, और ये देखते हैं जरा कि ये क्या क्वेश्चन आने लगा जी सर। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल के अकाउंट्स आप लोगों को दे दूं, तो ये अकाउंट्स दे देते हैं जी आप लोगों को कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अकाउंट्स कैसे बनना है, तो प्लीज जरा देखना कि कैसे बनना है। जी सर, नहीं जी ये आ गया सर आप लोगों के सामने ये सारी की सारी डिबेट। ये ले सर, सर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट सर मुझे बताएं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएंगे सर? इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है सर। ये लें सर। अच्छा सर आगे सर, क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? तो सर इक्विटी है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस के क्लोज डेबिट साइड पे आते हैं। अब कुछ डबल एंट्रीज पता होनी चाहिए। राइट इशू की डबल एंट्री होती है डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। तो खुद सोचें ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में किस साइड पे जाना चाहिए, क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। ओके, शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, बोनस इशू फ्रॉम शेयर प्रीमियम। देखो शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है, इधर आएगा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का कंबाइन अकाउंट है ये, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इधर आएगा। तो अब टेक्निकली सोचो जरा, बोनस इशू अगर फ्रॉम शेयर प्रीमियम है तो अकाउंट पे इफेक्ट जीरो है, क्योंकि वही अमाउंट आपने डेबिट साइड पे लिखनी है, वही अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखनी है। तो अगर ये इशू फ्रॉम शेयर प्रीमियम है तो आप इसको इग्नोर कर दो, यानी डी अकाउंट में लिखोगे, सपोज करें ये 50 के साथ एंट्री है, ये 50 के साथ एंट्री है, ये एंट्री 50 के साथ हुई है। अगर ये एंट्री 50 के साथ हुई है तो क्या करना चाहिए सर? डेबिट साइड 50, क्रेडिट साइड 50, तो लिखेंगे तो नेट इफेक्ट तो जीरो है। इसका मतलब है अगर बोनस इशू फ्रॉम शेयर प्रीमियम है तो इस अकाउंट में लिख भी दे ना लिखे एक ही बात है, तो इसलिए लिखा हुआ इग्नोर कर सकते हैं आप डी अकाउंट। अच्छा सर, बोनस इशू फ्रॉम रिटेन अर्निंग है तो डबल एंट्री होती है रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। अब ये रिटेन अर्निंग के अकाउंट में जाएगी, ये शेयर कैपिटल के अकाउंट में आएगी, तो इसलिए बोनस इशू फ्रॉम रिटेन अर्निंग यहां पे आ जाएगा। अब राइट इशू क्रेडिट साइड पे यहां पे आना है ये, लेकिन ये गिवन नहीं होता राइट इशू, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और यही बैलेंसिंग अमाउंट होती है। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट होती है ना बच्चों, ये राइट इशू को रिफ्लेक्ट कर रही है या ऐसे इशू शेयर्स को जिसमें कैश रिसीव्ड हुआ है। तो इस तरह आप शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल का अकाउंट बना के क्या निकाल लेंगे कि कितना कैश रिसीव हुआ है ड्यूरिंग ईयर, कितना कैश रिसीव हुआ है ड्यूरिंग ईयर, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा सर ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ओके सर। आगे सर बताएं आगे क्या है सर? आगे रिटेन अर्निंग्स है। अब रिटेन अर्निंग की मूवमेंट चेंजेस इन इक्विटी से याद करो, रिटेन अर्निंग की मूवमेंट चेंजेस इन इक्विटी से याद करो। सर क्या याद करें सर, याद करवाएं सर? तो सर चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग की मूवमेंट थी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग के बाद पैट उसमें एड हो जाता था, डिविडेंड पेड उसमें से लेस हो जाता था। अगर बोनस इशू फ्रॉम रिटेन अर्निंग हो तो वो भी यहां से माइनस हो जाता है, ये देखे ना डेबिट हो रही है रिटेन अर्निंग।
और ट्रांसफर आई 16 में हमने एक एक्सेस डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बढ़ी हुई है, उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट हो गया। और अगर जनरल रिजर्व्स को ट्रांसफर किया तो वो भी माइनस कर देते हैं हम लोग, ये ले सर डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट जनरल रिजर्व्स, ये आपके पास क्लोजिंग आ जाता है। सर इसी चीज को आप टी अकाउंट की फॉर्म में बना रहे हैं तो सर स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है, बन सकता है। क्यों बनाना है सर? सर मुझे ये चाहिए डिविडेंड पे, तो अब मैं अकाउंट बनाऊं तो हर पॉजिटिव चीज क्रेडिट साइड पे आएगी, हर नेगेटिव चीज डेबिट साइड पे आएगी। तो जरा ओपनिंग बैलेंस ये आ गया, पैट में अर्निंग को बढ़ाना है इधर आएगी, ट्रांसफर आए 16 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बढ़ाता है इधर आएगा, डिविडेंड पेड आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगी, ये डिविडेंड पेड आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगी। डबल एंट्री होती है रिटेन अर्निंग टू पेएबल, ये अमाउंट चाहिए आगे जी। बोनस इशू फ्रॉम रिटेन अर्निंग, डबल एंट्री रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल होता है, इसलिए डेबिट रिटेन अर्निंग हो रही है इधर, और रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व होता है तो ये डेबिट हो रही है। तो ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाना है टू कैलकुलेट डिविडेंड पेड, टू कैलकुलेट डिविडेंड पेड। तो ये दो अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का एंड रिटेन अर्निंग्स का। और ये रिटेन अर्निंग्स में इंडिविजुअल्स में अगर रिटेन अर्निंग गिवन हुई तो ये यहाँ पे ड्रॉइंग्स आएंगी। ये सर बड़े मजेदार से सी कहानी थी, ये अब आप लोगों को कहानी पता होनी चाहिए। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अब आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दूं तो आप मुझे वो सॉल्व करके दें, बल्कि दो क्वेश्चन दूं तो आप मुझे सॉल्व करके दें। इसके लिए मैं ले आता हूं आप लोगों के सामने नोट्स, तो ताकि जरा हमें कॉपी पेस्ट करने में टाइम ना लगे। सर ये अब आप लोगों के सामने जी क्वेश्चन आ गया, ये जी आ गया क्वेश्चन, ले सर आप मुझे आप लोगों ने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कैलकुलेट करके देना है। ये ले जी, ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कैलकुलेट करने लगे हैं, जरा गौर करना बच्चों, बात समझ नहीं है। 2000X1 में ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर प्रीमियम के बैलेंसेस गिवन है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, 500 और 100 सर। कितना बना यार ओपनिंग बैलेंस? 600। तो ये 600 ओपनिंग बैलेंस मैंने यहां पे लिखा, मैं इशू ऑफ शेयर्स के पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्लोजिंग है मेरे बच्चों 750 और 350, दोनों को इकट्ठा किया 1100 बना, तो ये 1100 मैंने इधर लिख लिया। इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग इस साइड पे आ गया, क्लोजिंग इस साइड पे आ गया। ओके सर, अब क्वेश्चन में क्या था देखते हैं जरा। ऑन 1st अक्टूबर 2001 अ बोनस इशू ऑफ वन न्यू शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड वाज मेड, फाइनेंस फ्रॉम शेयर प्रीमियम। मुझे बताएं शेयर प्रीमियम वाला लिखें या ना लिखें, मुझे बताएं इससे कोई फर्क पड़ता है? बताएं जी, शेयर प्रीमियम वाला बोनस इशू लिखें या ना लिखें फर्क पड़ता है? बताएं जी, फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह है कि इग्नोर कर दें बोनस इशू फ्रॉम शेयर प्रीमियम, इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दिया इग्नोर, अकाउंट बैलेंस कर लें। ये 600 है, ये 1100 है, ये कैश रिसीव्ड है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और ये क्वेश्चन में आंसर बन गया। अब अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर लिख के दिखाएं, तो लिख के भी दिखा देते हैं। सर देखें, वन न्यू शेयर फॉर एवरी टेन है, तो यार अगर बच्चों अगर उसके बाद कोई फर्दर शेयर इशू आया, तो सर बोनस इशू पहले है, इशू बाद में आया, तो सर इस 500 पे बोनस इशू लगना चाहिए, साल के शुरू में जो शेयर्स थे उसके ऊपर बोनस इशू हुआ, तो इसका मैंने 1/10 ले लिया। ये देखें 500 का 1/10 50 आया, डबल एंट्री बनी शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। ये शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल का कंबाइन अकाउंट है, तो डेबिट भी इधर ही होगा, क्रेडिट भी इधर होगा, अल्टीमेटली ये कैंसिल ही होना है और कैश रिसीव्ड इतना ही आना है। तो ये था शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट। अब आप कहेंगे सर थोड़ी सी और कहानी चलनी चाहिए, तो सर ये एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ये ऑल्दो सॉल्व है लेकिन जरा देखते जाना है कि इसमें है क्या। अब मुझे ये दोबारा ये जानना है कि शेयर्स इशू से कितने पैसे आए हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो इशू ऑफ शेयर्स है वो रिटेन अर्निंग्स में से होगा, तो अब रिटेन अर्निंग्स में से होगा तो जरा देख लेते हैं सर, प्लीज देखिएगा, जरा देखना जरा। आपके पास 2007 का बैलेंस आ रहा है और 2008 का, 2007 के जो बैलेंसेज हैं 400 और 100 है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के 400 और 100 है। शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस 500 और 350 है, तो मैंने जो अकाउंट बनाना है मुझे बताएं कैसे बनाना है अकाउंट, ऐसे बनाना है मैंने अकाउंट, 500 ओपनिंग बैलेंस आ गया इधर शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का, और 500 प्लस 350 850 आ गया इधर,
तो कैरिड ऑन बैलेंस बनना है 850, तो ओपनिंग बैलेंस 500 है और क्लोजिंग बैलेंस 850 है। ओपनिंग बैलेंस 500, क्लोजिंग बैलेंस क्या है दी? 850। डन। अब क्या करें? अब सर क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या गिवन है। क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है और वो एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर डिक्सन कंपनी मेड अ 1-for-8 बोनस इशू कैपिटलाइजिंग इट्स रिटेन अर्निंग। सर ये रिटेन अर्निंग से आया है, उसके बाद कोई फर्दर कोई राइट इश्यूज भी किए हैं? राइट इशू तो खुद ही निकल आएंगे, उनसे पैसा आता है, वही तो निकाल रहे हैं शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के अकाउंट से। अब मुझे डबल एंट्री बनानी है। 1-for-8 है बोनस इशू, पहले बोनस इशू है बाद में राइट इशू है, इसका मतलब है बोनस इशू ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अप्लाई हुआ होगा, यानी जो साल के शुरू में थे जब आपने बोनस इशू अनाउंस किया तो जो ओपनिंग बैलेंस थे उसके ऊपर बोनस इशू कैलकुलेट हुआ होगा। राइट इशू तो बाद में आया, तो इसका मतलब है 1-for-8 करना चाहिए आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस पे। तो ये 400 ओपनिंग बैलेंस है, मैंने 400 का 1/8 किया तो मेरे पास बोनस इशू आ गया। शेयर कैपिटल को जब आप 1/8 से कर देते हैं ना तो वो पार वैल्यू पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये अमाउंट बन रही है हमारे पास एग्जैक्टली कितनी बन रही है? 400 का 1/8 50 बन रही है। तो डबल एंट्री बनी रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। तो मेरे बच्चों रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल बनी, तो ये शेयर कैपिटल उठाएंगे और ये ले आएंगे हम कहां पे? यहां पे क्रेडिट साइड पे। ये ले, ये बोनस इशू को रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रॉम रिटेन अर्निंग, तो ये बोनस इशू की डबल एंट्री है और कुछ नहीं है। अब अकाउंट बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट यहाँ पे कि कितना कैश इस दफा रिसीव हुआ है फ्रॉम इशू ऑफ राइट इशू। तो बताएं जरा कितना आ रहा है जी? 550 इधर आ रहा है, 850 इधर आ रहा है, तो आई बिलीव ये 300 आ रहा है। तो ये एक टी अकाउंट बना के कर सकते हैं, ऑल्दो इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन वो समटाइम्स वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब एक से ज्यादा चीजें आती हैं। तो बेहतर यही है कि आप अकाउंट पे ही फोकस करें और यहां से ये बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लें और ये दिखाना है आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसी क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग्स भी गिवन है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम रिटेन अर्निंग से डिविडेंड पेड भी कैलकुलेट कर लें। अब सर रिटेन अर्निंग का जो अकाउंट है वो देखें जरा, ये रिटेन अर्निंग 255 गिवन है, ये रिटेन अर्निंग 229 गिवन है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बनाया दी सर रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 255 है, रिटेन अर्निंग की 255 आ गई, क्लोजिंग बैलेंस है 229, ये 229 आ गया। ये ले, हाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन होना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, देखिए ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 180 है। मुझे बताएं प्रॉफिट फॉर द ईयर किस किधर लिखूं? रिटेन अर्निंग को प्रॉफिट आके बढ़ाता है, बताएं रिटेन अर्निंग प्रॉफिट ये किधर लिखूं, किधर लिखूं, किधर लिखूं, किधर लिखूं, बताएं किधर लिखूं जी? क्रेडिट साइड पे लिख दूं, तो ये क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे आप लोग तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास कितनी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जी, गिवन है 180। अब क्वेश्चन में एक बोनस इशू हुआ था फ्रॉम रिटेन अर्निंग और उसकी एंट्री बनाई थी डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट शेयर कैपिटल। तो ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट बोनस इशू की वजह से डेबिट हो रहा है, हो रहा थी डेबिट, तो इसको डेबिट साइड पे ले जाए। दैट्स इट, ये बोनस आ गया इधर, इशू 50। अब मुझे बताएं इस अकाउंट में कितना आ रहा है डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड पेड निकल आया। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट हम बनाएंगे टू कैलकुलेट डिविडेंड पे या टू कैलकुलेट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी उसमें बोनस इशू वगैरह नहीं होते, उसमें सीधा ही होता है ओपनिंग बैलेंस होता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का, क्लोजिंग और जो नेट प्रॉफिट होता है वो एड हो जाएगा और ड्राइंग्स आके माइनस हो जाएंगी जनरल। तो ये सर कहानी है। तो कितना आ रहा है डिविडेंड पेड यार बच्चों? ये ले लीजिए अकाउंट बना हुआ 156 आ रहा, ठीक हो गया। अब आखिरी बात ही लोन्स गिवन है, लोन लोन की मैंने कहा था मूवमेंट लेनी होती है, लोन चेक करें जरा। 100 का लोन था यार, ये 100 का लोन था साल के शुरू में और साल के एंड पे 150 का लोन है, तो आपने और लोन ले लिया। सर अगर लोन का बैलेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपने और लोन ले लिया है, आपने और लोन ले लिया, तो और लोन लेने का मतलब क्या है फिर जल्दी से बताएं यार, और लोन लेने का मतलब क्या है? सर आपके पास पैसे आए होंगे या गए होंगे? सर पैसे आए होंगे सर, और उधार ले लिया है तो 50 का। तो ये सर आपने ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसे बनानी होगी, तो ये देखें जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उन्होंने बना के दिखाई हुई है। उन्होंने ये कहा जी कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 300 आए, इशू ऑफ डिबेंचर्स से 50 आया और डिविडेंड पेड 156 है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इस तरह कैलकुलेट होंगी। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गई है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया हुआ है जी उन लोगों ने, इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट जितनी पीएनएल में चार्ज हुई है क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही होती है, अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, ट्रांसफर एंट्रीज में अल्टीमेटली इंटरेस्ट पेड आ जाएगा।
और ये एक इंटरेस्ट पेड की हमने अकाउंट भी बनाया हुआ है जी सर। ओपनिंग बैलेंस 30 आया, क्लोजिंग बैलेंस 45 आया, और जितना इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया वो इधर आया 28, जितना इनकम स्टेटमेंट में अल्टीमेटली इंटरेस्ट पेड आ गया। तो इस तरह इंटरेस्ट पेड बनाना है। तो ये दो एक्टिविटीज हमने की हैं। कल आते ही हम पहले 30-40 मिनट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे एंड देन लास्ट आवर में हम क्वेश्चन कर रहे होंगे इनशाला, और कल से इनशाला क्वेश्चन शुरू। हमें एक दिन बचा लिया हमने एनपीओ से, तो अब हम एक दिन इस पे एक्स्ट्रा लगाएंगे अगर हमें जरूरत हुई तो। इस तरह हम लोग देखेंगे इनशाला। कल क्वेश्चंस करते हैं जी, कोशिश करेंगे एक करें मिनिमम और दो करें मैक्सिमम, तो दो किए जा सकते हैं, कल डूएबल है। आज के लिए इतना ही थी, प्लीज रिवाइज करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने रिवाइज नहीं कराया, आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज मैंने पहले 40 मिनट्स में करवा ही देना है अपना। बाकी पढ़ते जाएं जी, चीजों को साथ साथ रखें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को थोड़ा थोड़ा सॉरी एनपीओस को थोड़ा थोड़ा साथ साथ रखें, और साथ में बाकी पेपर्स भी लेके चले, और ये अभी मेरे पे छोड़ दें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई बात करनी है तो जल्दी से बताएं, कोई क्वेश्चन है तो। शिराजी भाई, पिछले लेक्चर्स अपलोडेड है CMADZ के ना उसपे, क्या बोलते हैं उसे, यूट्यूब चैनल पे। यार बिल्कुल, बच्चा लिंक दे देगा, मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। आपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? मैं वहां पे ना लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आपको ना वो वहां से मिल जाएगा, वो वहां पे देखना, वो तीनों पड़े होंगे वहां पे। एनपीओ किया अभी तक हम लोगों ने, तो मैं ये कर देता हूँ, इधर ही पास पास ही होगा ये। मैंने दोबारा शेयर करा दिया। ये ले, ये मैंने शेयर कर दिया, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।